एक और बड़ी खबर इस वक्त की, हुड्डा के बादली से चुनाव लड़ने पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर हुड्डा सीएम पद के दावेदार सीएम के सामने दिखाए दम। बड़ी खबर इस वक्त की, करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो दिखेगा दम, ऐसा कहना है ओपी धनखड़ का। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर हुड्डा के बादली से चुनाव लड़ने पर ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा सीएम पद के दावेदार सीएम के सामने लड़के दिखाए, और साथ ही साथ करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो उनका दम जो है वो दिखाई देगा, ऐसा कहना है ओम प्रकाश धनखड़ का। तो हुड्डा के बादली से चुनाव लड़ने पर ओम प्रकाश धनखड़ का बयान सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर उन्होंने कहा कि हुड्डा सीएम के पद के दावेदार हैं तो सीएम के सामने लड़कर दिखाए, तो करनाल से चुनाव लड़ेंगे तभी दिखेगा दम उनमें, ऐसा कहना है ओपी धनखड़ का। तो हुड्डा के बादली से चुनाव लड़ने पर ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। हुड्डा सीएम पद के दावेदार हैं तो सीएम के सामने लड़कर अपना दम दिखाएं, तो करनाल से चुनाव लड़ेंगे तो उनका दम दिखेगा, ऐसा कहना है ओपी धनखड़ का। कमल एक चर्चाएं चल रही है बादली में भूपेंद्र हुड्डा को चुनाव लड़ने की। देखिए, पहले बात आ रही थी भूपेंद्र जी की जी, तो हमने तो तब भी कहा था स्वागत है, अब अगर भूपेंद्र जी आ रहे हैं तो भी स्वागत है, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र जी रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो मुख्यमंत्री के सामने ताल ठोकें तो ज़्यादा लगेगा कि भाई पहलवान जो है, लेकिन यहाँ भी झज्जर में मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। समर्था की आज आपने मीटिंग की और हरियाणा में शुरुआत समर्था की बादली हल्के से हुई, तो कितनी समर्थाएं अब तक इसमें प्रोग्राम में जुड़ चुकी है? देखिए, हमें 6 बैच हम जो है निकाल चुके हैं। पहले हमारा बैच थोड़ा छोटा होता था, 800 का, अब जो है 1200 के आसपास का है, तो लगभग 6000 बहनों को हम प्रशिक्षित करके उनका सशक्तिकरण। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।